वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सर? यार वीडियो में स्टार्ट करने नहीं देते ये भाई, गिरना है इनको। तो कैसे हो आप सर के सारे? आई होप दोनों अच्छे होंगे। नहीं इंडिपेंडेंस डे गाइस, इंडिपेंडेंस डे, ये इंडिपेंडेंस डे कैसा दिन जिस दिन हमारी हमारी इंडिया को पहली बार फ्रीडम मिला था ब्रिटिश के हाथ से, मतलब ब्रिटिश रूल था फ्रीडम के पहले, ब्रिटिश रूल था आपको तो पता ही होगा। तो पहली बार इंडिया हमारी ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला था, तो यही आज है, यही वाला स्पेशल दिन। और मैं नहीं चाहता आज के दिन में मेरा कोई चैनल में कोई वीडियो नहीं हो, तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो अब तक के लिए तो लाइक करना ज़रूर। अच्छा सब्सक्राइब जरूर करना। और ये है मेरा माइक, आप लोग देख सकते हो मेरा माइक का जुगाड़ करके रखा है, ये यहाँ पे लगा के रखा है, तो यहाँ से ये अच्छा सा हमारा वॉइस प्रोडक्ट कर देगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों को शायद ही पता होंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम। इंडिया एक ऐसा जगह, इंडिया जिस देश में 29 से भी ज़्यादा स्टेट्स अवेलेबल है, उसके ऊपर है हमारे अराउंड 1652 लैंग्वेजेस, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। और 30 मेजर फेस्टिवल्स, आपको पता ही होगा मेजर फेस्टिवल, जैसे कि पंजाब का फेस्टिवल है भांगड़ा, वहाँ पे करते हैं भांगड़ा करते हैं वहाँ पे। उसके बाद है हमारा क्रिसमस, जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजियन में क्रिश्चियन ज़्यादातर करते हैं हमारी क्या बोले क्रिसमस। नेक्स्ट मेजर है हमारा होली, जो कि आपको पता ही है ज़्यादातर हिंदू धर्म के किए है फेस्टिवल होली। नेक्स्ट फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें तो वो है दुर्गा पूजा। ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन में नहीं दिखाया गया है, बट फिर भी मैं बोलूँगा दुर्गा पूजा एक हमारे वेस्ट बंगाल के बंदों के बहुत मेजर फेस्टिवल है वो भी। नेक्स्ट मेजर फेस्टिवल है ईद मुबारक, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में बहुत फेमस है, बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ईद मुबारक आराम से बहुत अच्छे से चल जाता है। ईद मुबारक में बहुत बंदे ईद फेस्टिवल को मनाते भी है। नेक्स्ट फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें तो, और हमारे यहाँ पे मेजर फेस्टिवल नहीं है, 90 साल से भी ज़्यादा लगे हैं इंडिया को खुद की फ्रीडम पॉसिबल टू फ्री गेट और फ्रीडम फाइटर्स। हमारे फ्रीडम फाइटर्स 90 साल लगे हैं इनको हमारी इंडिया को स्वाधीन करने के लिए। महात्मा गांधी ने एक लैंग्वेज हमारे बोल के गया था, बी द चेंज यू वांट टू सी द वर्ल्ड। सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी भाई ने, यहाँ भाई की बोल रहा हूँ, और नेताजी ने यहाँ पे बोल के गए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें स्वाधीनता आज़ादी दूंगा। भारत सिंह ने हमारे बोल के गए हैं कि इनक्लूडिंग जिंदाबाद। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोल के गए हैं कि सतरंगा इज नॉट अ क्रीड फॉर द वीक। उसका चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला है कि आज़ादी रहे है आज़ाद ही रहूँगा, ये थोड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपको तो पता ही होगा हर इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल में एक हम लोग बैच पहन लेते हैं इंडिया की और जाते हैं, एक फ्लैग लेके जाते हैं और हम लोग स्कूल में जाकर देखते हैं कोई हमारे हेड सर प्रिंसिपल सर ये हमारे फ्री हमारे कंट्री का जो है हमारे फ्लैग को नेशनल फ्लैग को होस्ट करके रहते हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, दिस वाज आवर 71st इंडिपेंडेंस डे। आई होप तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लीव अ लाइक नाउ। और ये बनाया है हमारे कटिंग एज।